अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महेंद्रगढ़ में शिक्षा मंत्री ने खुड्डाना में 24 तारीख को होने वाली सीएम की विकास रैली का वकीलों को निमंत्रण दिया। महेंद्रगढ़ में आज शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा कोर्ट परिसर में पहुंचे एवं कोर्ट के जरूरत के अनुसार उनको 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि आने वाली 24 फरवरी को गांव खुड्डाना में IMT की नींव रखी जाएगी और उसी दिन महेंद्रगढ़ का सब डिपो एवं महेंद्रगढ़ के किले का उद्घाटन, इसके अलावा करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले अनेक कार्यक्रम का शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर द्वारा किया जाएगा। रामविलास शर्मा ने बताया कि महेंद्रगढ़ में आज लोगों की समस्या सुनने के लिए SP को महेंद्रगढ़ में बिठाया है और आने वाले 10 दिन के अंदर DC और सभी अधिकारी महेंद्रगढ़ जिला कार्यालय में महीने में 3 दिन बैठेंगे। उन्होंने महेंद्रगढ़ वासियों से कहा कि हमने अपना वादा पूरा किया है और आगे भी हम आपके वादों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और सभी क्षेत्रवासियों को 24 फरवरी को विकास रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की बात कही। शिक्षा मंत्री के साथ अनेकों कार्यकर्ता व बार के अनेकों वकील उपस्थित रहे। इस रैली का नाम क्या रखा, किस प्रकार से कार्यक्रम? 24 को जो महेंद्रगढ़ में और गांव खुड़ाना में विकास रैली है, 4.5 साल का जिस गति से महेंद्रगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जो विकास जो एक गतिविधि चलाई है उसमें माधोगढ़ का पर्यटन केंद्र का उद्घाटन होगा, महेंद्रगढ़ किले में पर्यटन केंद्र का उद्घाटन होगा और IMT का खुड़ाना में उद्घाटन होगा। जो निम्बेड़ा माइनर है जो नांगलमाला तक जाएगी उसका उद्घाटन होगा, सब डिपो का उसके उद्घाटन होगा और भी जो हजारों करोड़ की ऐसी योजनाएं हैं जो उस दिन इलाके को कायाकल्प करेंगी। सर आज आप बार में आए हैं, बार में क्या क्या आज SP आज महेंद्रगढ़ में बैठे हैं। मैं समझता हूँ अगले 10 दिन के अंदर वो वहाँ से आदेश जारी हो चुके हो जाए। शर्मा जी ये यहाँ ऑफिस करेंगे, ये नहीं भाई ऑफिस में। बार के अंदर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी ने शिरकत की और क्या कार्यक्रम था? आज हमने पीछे 3-4 रोज से शर्मा जी से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने आज के लिए डेट फिक्स की थी और हमारी 3-4 ऐसी मुख्य मांगे थी जिनको उन्होंने सर्वसम्मति से सभी को पास कर दिया है और 15 लाख रुपए की उन्होंने हमारी बार को ग्रांट देने की बात कही है। कौन कौन सी मांगे थी सर जी? इसमें एक हमारा कॉरिडोर जो है वो 50% था, लघु सचिवालय की तरफ उसको पूरा करना था, उसको उसके लिए पीछे हमारी पार्किंग के टाइल्स के लिए जो है ना उसमें टाइल लगवानी थी पार्किंग, गाड़ी पार्किंग के लिए कुछ हमारी बिल्डिंग को बने हुए काफ़ी टाइम हो गया था तो इसके रंग रोगन के लिए इसकी मेंटेनेंस के लिए तो टोटल करके इनमें से उन्होंने 15 लाख रुपए की हमें ये ग्रांट देने का काम किया। महेंद्रगढ़ से ब्यूरो हेड कृष्ण सैनी की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।